छत्तीसगढ़ में केला की खेती वर्तमान में काफ़ी अधिक मात्रा में किए जाने लगी है। विगत दशकों में अगर कहा जाए तो इसकी खेती 4 गुना से 5 गुना तक के बढ़ गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है और मिट्टी है, इसमें केला बहुत अच्छी तरीके से इसकी खेती हो रही है। और ये कहें कि छत्तीसगढ़ के करीब करीब सभी प्रकार की मिट्टी में केला की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है उसकी विशेषता ऐसी है कि इसकी विद्युत चालकता जो है केला के लिए जो आवश्यक मात्रा है 1 से 2 डेसी सेंटीमीटर प्रति मीटर के हिसाब से है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा भी है जो लिमिट है 8 से 12%, उससे कहीं कम ही है हमारे यहाँ। और मिट्टी की जो विनिमयशील जो सोडियम की मात्रा होती है, धनायन विनिमय क्षमता होती है, ये भी आवश्यकता के अनुसार होती है। और पीएच मान हमारा जो मिट्टी का है वो 5.5 से 8 तक के होता है, जो कि केले के लिए सर्वथा उपयुक्त है। और इसका बेस सेचुरेशन है वो करीब करीब 75% तक के होता है। और हम अगर कहें कि मिट्टी की विशेषता, जो सभी प्रकार की मिट्टी है वो हमारी, जैसे में कि डोरसा है, कन्हार है, मटासी है, इन सभी मिट्टी में ये गुण रहता है जो हम मिट्टी की विशेषता की बात कर रहे हैं, जो केले के लिए आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे यहाँ बेस की सिचुएशन बहुत अच्छी है, पर्याप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ साल्ट की समस्या नहीं है। साल्ट की समस्या नहीं होने से क्या होता है कि हम जब फर्टिगेशन या इसको पोषण हम देते हैं, खास तौर पे आजकल ड्रिप के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है, तो उससे पोषक तत्व तो जितना भी हम देते हैं उसकी 90% मात्रा पौधों को उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से हमें कहें तो इसका पोषण का पूरा मूल्य हमको मिल जाता है। और इससे जो उपज आती है वो बहुत ही लाभदायक उपज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ कंडीशन में प्राप्त होती है, कम से कम 25 किलो। और अच्छा प्रबंधन करे किसान तो 45-50 किलो तक के प्रति पौधे में इसकी उपज देखी गई है। अम्मा जी मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम की देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। अरे अरसी फूले घमाघम भैया, मुनगा फूले सफेद, और बालकपन में जवान के जो
जवानी के ओरा बदे जवानी में हो गए भेंट हा संगी हो। और संग संग में कहे गए संगी का है कि अरे कृषि दर्शन के ज्ञान आगे तुम्हारे घर और तुम्हारे दुआरी एकर ज्ञान से हो ही रोज संगवारी रोज दशहरा और रोज देवारी। हाँ तो संगी हो बढ़िया त्यौहार व्यौहार तो मनाड़ रहे। अब मेरा आगे हो हमारे मन के धान के कटाई के बेरा में आगे है मिंजाई के बेरा आगे संगवारी हो। और कटाई और मिंजाई है घलो अपन आप में एक भारी बहुत बड़े भारी काम है। और आज के समय में अगर कहीं मजदूर वगैरह कहूँ ठीक से हमला नहीं मिल पावे तो वो स्थिति में कटाई और मिंजाई हमारे पिछवा जाते और ओखर बाद ना हमला रबी फसल लगाने तेरे पर हमला बहुत परेशानी होते संगवारी हो। ओखरे सेती धान की अभी कटाई के जो समय है धान काटे के लिए होए कि नहीं होए तेखर निर्णय कैसे करे जाए ओखर कैसे कटाई करे जाए कैसे मिंजाई करे जाए ताकि हमारे कम समय में और कम खर्चा में हमारे काम बढ़िया से हो सके संगवारी हो। ओखरे सेती आज हमारे आज के विषय ये है कि कटाई और मिंजाई के बाद में खरीफ फसल लगाए पहली खेत की तैयारी कैसे करे जाए और कटाई और मिंजाई पर कौन कौन से यंत्र के उपयोग हम कर सकत हन एक जानकारी आज हम आप मल्ला देवाबू संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में पधारे हुए डॉक्टर राजेंद्र लागपाले अधिष्ठाता भाटापारा महाविद्यालय से आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। जय जोहार। और आप आए श्री डॉक्टर अजय वर्मा जी अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय मर्रा से आपके पाटन से क्षेत्र से स्वागत है आपका। जय जय जोहार। तो सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहूँ सर लागपाले सर कि अभी जो बारिश वारिश हुए हमें तो ये समय में हमारे जो फसल है धान के फसल है एक बारे में हमारे किसान भाई मतलब कौन प्रकार के सावधानी रखना जरूरी है। अभी वर्तमान में विलंब से वर्षा के कारण इस समय खेती किसानी के लिए बड़ी असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई है खास करके धान की फसल के लिए। वर्षा के कारण जो है धान की फसल खेत में सो गई है तो ऐसी स्थिति में जो धान सो गई है खेत में इसको अविलंब काट के और धान का जो कटी धान का करपा है अच्छा। उसको खेत की बेड़ों पे रख दें या जहाँ भी सूखा जगह है वहाँ पे ले आएँ या सीधा खलिहान में ले जाएँ अच्छा। खेत में काटने के बाद उसको ना छोड़ें अच्छा, अच्छा। क्योंकि अगर खेत में छोड़ते हैं खेत में अभी पर्याप्त नमी है तो कटी हुई धान की फसल के उस बालियों में अंकुरण भी आ सकता है अच्छा। तो इसका विशेष ध्यान रखें तो फसल को काट के तुरंत खेत की मेड़ पे रखें या खलिहान में ले जाएं। खलिहान में भी जब फसल को ले जाते हैं तो करपा को खरही बना के ना रखें खरही या ढेरी बना के करपा को ना रखें क्योंकि अभी जो है पूरी की पूरी धान गीली है ही। तो अगर खरही बना के या ढेरी में रखते हैं तो वो दाना उसका काला पड़ जाएगा और दाना खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। करपा को जो है फैला के रखें और उसको अल्टी पल्टी करते रहें ताकि वो भली भांति सूख जाए। एक साथ भाई फोन कर लेते हैं। हेलो 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 हाँ संगी कौन बोला। हेलो हाँ किशन है भैया राम राम का। राम राम संगी कौन बोला था। मैं रानीगांव नजदीक खिलेश कुमार साहू बोला हूँ। हाँ जी खिलेश कुमार साहू जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। पूछो कहाँ पूछना चाहता था। और डॉक्टर साहब अलग अलग मोर तरफ से राम राम। पूछो तो का है अभी हमारा धान अपन कटाई के नंबर लगा हाँ कर वो खाली करन दिले जी। अब ओकर बाद में चना लगाना है तो चना की उन्नत किस्म का है और कब तक लगा सकते हैं एक बार में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी हो जाती तो बहुत अच्छा रहती। हाँ सुंदर है सर खरीफ फसल लगाए तैयारी करो जानना चाहते को चना की बात हो स्पेशली करके। अच्छा तो धान फसल काटे के तुरंत बाद में फसल ला उठा के और खेत ला एक बार जोत दे अच्छा। कारण कि खेत अभी गिल्ला है और बने जुताई में बन ही नहीं तो एक बार ओला जोत के खुला करके छोड़ दे। दो चार दिन बाद जब खेत बने सूख जाही कल्टीवेटर चलाए के लायक हो जाही नागर चलाए के लायक हो जाही वो समय में बने खेत ला तैयार कर ले। और एक चना पर एक चीज़ के ध्यान रखना चाहिए किसान भाई मनला कि खेत का ढेला बड़े बड़े होना चाहिए अच्छा। एकदम बारीक खेत की तैयारी झन करें एकदम बारीक खेत के तैयारी करे में चना में उगता के ज़्यादा समस्या आते हैं अच्छा। तो खेत के ढेला ला बड़े बड़े रखें और हो सके तो मादा क्यारी विधि से चना के बोनी करें और उगता कम आते हैं जी। हमारे कुड़ कुड़ की थन हुई कुड़ कुड़ी कुड़ी, कुड़ी प्रोसेस जी। सर तो अभी सर आवाज से जाना चाहूँगा अभी ये कटाई मिंजाई भारी काम है आज का जमाना में भंडारण तक के तो अभी कटाई मिंजाई के लिए हमारे जो किसान है वो कौन कौन यंत्र के उपयोग कर सकते हैं। ऐसे छोटे किसान भी बहुत जन है जेखर मन यंत्र है ही नहीं है वो मन का करें और जो घर में यंत्र है तेरे मन का करें घर बारे में बता देते। अभी जो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से हम लोग धान की कटाई कर रहे हैं जी। और धान की कटाई करने के लिए मुख्य रूप से जो यंत्र का उपयोग किया जाता है वो हसिया है।
आप ये देखे होंगे कि एक और हसिया जिसको अपन बोलते हैं उन्नत हसिया या दातेदार हसिया। अच्छा, नवा यंत्र है। नहीं, ये तो काफी दिनों से उपयोग हो रहा है। जी, जी। दातेदार हसिया है। दातेदार हसिया का उपयोग करने से फायदा ये होता है कि कम श्रम में हम ज्यादा काम कर सकते हैं। जी, जी। तो हसिया का सुधरा हुआ रूप है दातेदार हसिया। ये तो एक तरीका है जो कि परंपरागत जो खेती होती थी उसमें हम हसिया की जगह दातेदार हसिया या सर्टेड सिकल्स का उपयोग कर सकते हैं। ये हल्का है और कम शक्ति से आप ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर से चलने वाले स्वचालित इस तरीके के यंत्र हैं जो कि कटाई के काम आते हैं। जैसे ट्रैक्टर में फ्रंट माउंटेड रीपर आता है जो कि उसको काटता है, काटने के साथ साथ एक साइड में उसको ढेरी बनाते हुए चलता है। आजकल रीपर बाइंडर आ गए हैं। रीपर बाइंडर का मतलब ये होता है कि वो फसल को काटेगा भी और काटने के साथ साथ उसको बंडल बना करके भी उसको एक साइड में करते चलेगा। अच्छा, भारा घोलो बना दी हो। हाँ, वो उसको बनाते हुए चलेगा। आप लोग बीच में रुका था, पहले किसान भाई फोन। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, कौन बोला था संगी? मैं ग्राम कन्या दमो जिला बालाघाट ले गोविंद मानेसर बोलो तुम भैया। अरे गोविंद जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार जी। जय जोहार भैया। हाँ, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहता था? हाँ, जानकारी लेना रही भैया, जिसे आज जानकारी ये है कि अभी जैसे धान के हमन निजाई करबो, एक बार कौन कौन से यंत्र बने रखे और धान के बाद चना डालना है तो एक बार घरों कौन से यंत्र में कतार से बुआई करना है, तो जानकारी लेनी थी इसे कतार से बुआई करना है। सुंदर प्रश्न, बढ़िया बढ़िया पूछे हैं। बताते सर, वही चलो बताते, वही सुना। ये जो जहाँ तक कटाई की बात है वो मशीनों की सहायता से हम कर सकते हैं। इसके अलावा धान की मिंजाई के लिए भी काफ़ी सारे यंत्र उपलब्ध हैं। यदि मान लो एक तरीका है, किसान भाई ट्रैक्टर के ट्रेडिंग से करते हैं, मतलब ट्रैक्टर घुमा करके करते हैं या बैलों के को घुमा करके चलते हैं, जो कि एक तरीके से इस तरीके से करना ठीक नहीं है। तो आजकल जो थ्रेसर्स आ गए हैं, जैसे ट्रैक्टर के पीटीओ से चलने वाले थ्रेसर हैं जो कि करीब करीब एक घंटे में 15 से 20 क्विंटल धान का की थ्रेसिंग का काम कर लेते हैं। अच्छा। तो उन यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रैक्टर के अलावा मोटर से चलने वाले थ्रेसर्स हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। तो धान की थ्रेसिंग के लिए न केवल धान के थ्रेसर हैं, इसके अलावा मल्टीक्रॉप थ्रेसर्स भी हैं। अच्छा। मल्टीक्रॉप थ्रेसर उसको बोलते हैं जो कि धान और धान के अलावा अन्य फसल का भी थ्रेसिंग का कार्य करते हैं। चना गेहूं घलो वो काम लोग कर सकते हैं। मल्टीक्रॉप थ्रेसर के नाम से आते हैं। और ये थ्रेसर दो चीज से चलते हैं, एक ट्रैक्टर वाला चलता है, एक खुद के अलग से खुद के चलते हैं, मतलब कि जो मोटर रहता है जो कि मतलब उसके इलेक्ट्रिक से चलता है। अच्छा। किसान भाई का प्रश्न था कि मतलब चना यदि बोना है तो उसके लिए कौन सी मशीन की जरूरत पड़ सकती है। तो अभी जैसे हम लोग चर्चा में ला रहे थे कि कूड़ में लगाना चाहिए या अब ये जो सीड ड्रिल है उसमें क्या है कि एक तरीके से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी रखने के लिए भी यंत्र उपलब्ध हैं। अच्छा। जिसको अपन बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर। इसमें ये कर सकते हैं कि यदि मान लो हम कतार से कतार की दूरी मान लो 30 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं या 50 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं और पौधे से पौधे की दूरी भी हम चाहते हैं कि 20 सेंटीमीटर में गिरे या 30 सेंटीमीटर में गिरे और हम जैसा चाहते हैं कि एक दाना गिरे या दो दाना गिरे, तो उसके लिए भी कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। इसको इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर बोलते हैं, जिसमें जैसा कि आदमी एक एक दाना बोता था या एक एक दो दो दाना अपन लगाते थे, उस तरीके का काम अब मशीन की सहायता से होता है। इससे बीज की मात्रा बहुत कम लगती है और एक तरीके से जहाँ पर बीज गिरता है वहीं पर आपका खाद भी गिरता है और नीचे की तरफ एक जमीन में कॉम्पेक्शन आता है तो नमी भी संचित होती है। तो चने के लिए एक तरीके से यदि इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर का उपयोग करें किसान भाई, तो उनको एक तरीके से बीज की मात्रा काफ़ी कम लगेगी, उत्पादन लागत में कमी आएगी और जैसा हम मैनुअली बोते थे मतलब हाथ से जैसा बोते थे बिल्कुल वैसा ही वो मशीन की सहायता से। मशीन वाला कहाँ मिले किसान भाई? ये मशीन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पर अनुदान दिया जा रहा है। अच्छा। और इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर छत्तीसगढ़ में रायपुर में अन्य जगह पर इसके डीलर्स उपलब्ध हैं जहाँ पर कि वो डायरेक्ट उनको इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर बोल करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई का फोन है। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्कार। क्या नमस्कार भैया? नमस्कार जांगड़े जी, आओ आप कौन बोला था? तो आप अपन नाम ले बताओ। हाँ भैया, योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बीमा करा ले बोला था। हाँ जी जांगड़े जी, पूछो क्या पूछना चाहते? स्वागत, जय जोहार। मतलब ही नमस्कार। नमस्कार। हाँ भैया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी जैसे धान हमारे लगे है। हाँ। और एक आठ हफ्ता 10 दिन में मतलब कटाई भी हो जाए लगते, तो जैसे ओकर बाद गेहूँ चना वगैरह बोना है तो खेत वेत की तैयारी कैसे करना है, कतेक दिन में जुताई करना है? हाँ। ये ला बताओ और थोड़ा ये बता दो कि आजकल जैसे
मिंजाई वगैरह करथन तो जगह वगैरह कम पड़ जाते, तो बढ़िया से कौन से मशीन है जेकर से जल्दी हम अपन फसल लगा ले जा सका था। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न पूछे, बहुत महत्वपूर्ण। ये चर्चा चलत है अभी, लो सर आगे बढ़ाओ। ये आजकल जो यंत्र उपयोग में आ रहा है, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर आपने सुना होगा, इससे न केवल कटाई का काम कर सकते हैं साथ ही साथ मिंजाई का भी काम होता है। तो कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग किसान भाई काफ़ी मात्रा में अब करने लगे हैं, मतलब ये कोई नया यंत्र अपने लिए नहीं है। शुरुआत में ऐसा जरूर था कि पंजाब से या हरियाणा से या गुजरात से इस तरीके का यंत्र आता था, अब काफ़ी जब से गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस में धान की खरीदी कर रही है तब से काफ़ी मात्रा में कंबाइन हार्वेस्टर्स का उपयोग यहाँ पर हो रहा है और अपने खुद के किसान लोगों ने इसको खरीदा है। तो कम जगह घलो काम चल जी। हाँ, इसके लिए तो वो सीधे ही कटाई करता है, कटाई करता है, इसके साथ उसकी मिंजाई भी करता है, इसके साथ साथ वो ग्रेडिंग भी करता है। और आजकल जो और अच्छी आधुनिक जो मशीनें आई हैं उसमें उसका बैगिंग भी हो जाता है, यानी कि वो उसको यदि हम चाहते हैं कि 75 किलो का एक बैग तैयार हो जाए तो 75 किलो के बैग के साथ उसकी सीलिंग भी हो जाती है, तो सीधे आप मंडी में ले जा करके उसको बेच सकते हैं। तो इस तरीके का यंत्र का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाई ने अभी छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हो, बहुत अच्छा। हाँ, किसान भाई ये यंत्र छत्तीसगढ़ में उपलब्ध भी हैं, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन इन यंत्रों पर अनुदान भी दे रही है, जिसमें कि कुछ एक लिमिट तक 25% अनुदान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा और 25% अनुदान केंद्र शासन द्वारा। अच्छा। इस तरीके से 50% अनुदान देने वाला छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां पर कि इस तरीके का अनुदान दिया जाता है, परंतु कुछ जो पावर ऑपरेटेड यंत्र हैं उन पर अनुदान की मात्रा मतलब एक लिमिट पर है, मतलब जैसे मान लो 1,00,000 के पीछे 20,000 का अनुदान। अच्छा, इस तरीके से है। किसान भाई का प्रश्न ये भी था कि ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं जिसकी सहायता से मतलब खेत की तैयारी करना चाहिए, ये भी उन्होंने पूछा था। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब कई जगह एक आपने सुना होगा जीरो टिलेज सीड ड्रिल। जीरो टिलेज सीड ड्रिल का मतलब होता है कि आप यदि मान लो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो धान का जो कटाई कर रहे हैं वो यदि 6 इंच की ऊंचाई से यदि करते हैं और उसके बाद उसमें जीरो टिलेज का उपयोग करते हैं, यानी कि बगैर जुताई किए सीधे बुआई करना। अच्छा। यानी कि आपको एक तरीके से जुताई का जो खर्चा है वो बच जाता है, नमी संचित रहती है और एक तरीके से आपका जो फसल है वो लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है, इसको अपन जीरो टिलेज सीड ड्रिल बोलते हैं। इसका उपयोग किसान भाई को करना चाहिए और यदि उनके पास समय है और समय सफिशिएंट है तो खेत की तैयारी चाहे तो वो मोल्ड बोल्ड प्लाउ की तरह से खेत की जुताई करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क हैरो होते हैं जिससे खेत की पोलराइजेशन करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जीरो सीड ड्रिल जो नाम बतावा था ये मशीन कहाँ मिलते हैं और उपयोग किसी ढंग से किए जा सकते हैं? जुताई जरूरत नहीं, सीधा बीज डाल रहा वो आ जाते हैं। जीरो टिलेज सीड ड्रिल एक तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत नवीन यंत्र नहीं है, काफ़ी साल से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हम लोग इस पर प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और काफ़ी एरिया में इसको हम लोगों ने इसको सप्लाई भी किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है जो कि कृषि यंत्र निर्माण परियोजना है, जिसके अंतर्गत इस यंत्र को हम लोगों ने यहाँ पर मॉडिफाइड किया। एक्चुअली क्या है कि जीरो टिलेज सीड ड्रिल अपने यहाँ जहाँ पर कि मतलब एलिवल सॉयल है, जहाँ पर हल्की ज़मीन है उसके लिए इसको डेवलप किया गया था, परंतु अपने यहाँ ज़मीन काफ़ी हैवी है उस कंडीशन में चलने वाला जीरो टिलेज सीड ड्रिल हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है। और किसान भाई इसको यदि खरीदना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी संकाय से संपर्क कर सकते हैं या फिर ग्राम सेवक के माध्यम से वो अपने गांव में भी इसके बारे में भी छूट उठेगा। हाँ, इस पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और नियमानुसार अनुदान की पात्रता अलग अलग वर्ग के किसानों के लिए अलग अलग है। जी जी सर, ये एक ठन समस्या थे जब धान कटाई बेरा थे या कोनो भी फसल की, तो फसल तैयार है कि नहीं है ये चीज़ के चिन्हारी कैसे करी है अभी, जैसे अभी धान की कटाई का समय है लगभग सर। जैसे धान की बात कर रहे हैं हम, तो धान में क्या होता है पत्तियां और बाली जो है पीली पड़ जाती है, खास करके जो बालियां हैं वो फिर सुनहरी कलर की हो जाती है और झुक जाती है। तो ये माना जाता है कि अब फसल जो है कटाई के लिए तैयार है। दूसरा ये होता है कि बाली में से दाना तोड़ के देखिए, उसको दांतों में दबा के देखिए, अगर कट की आवाज आती है तो ये मान लीजिए आपकी फसल धान की फसल जो है अब काटने के लिए तैयार है और उसको तुरंत जो है कटाई कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये उखर पहचान की जी। और रबी फसल की तैयारी के लिए जिसे अपन पूछा था इन हो समय में कि अब इखर बाद वो ही किसान मन है, तो आपके का सुझाव है का तैयारी करें खेत की अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि अभी वर्तमान में खेत काफी गीले हैं, इनको जल्दी सुखाना जरूरी है खेत तैयार करने के लिए। तो किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि एक बार खेत की जुताई कर दे, खेत को खोल दे,
अच्छा, खेत को खोलने से क्या होगा कि नमी जो है वो तुरंत उड़ेगी और खेत जो है जल्दी बोने की कंडीशन में आ जाएगा। और खेत में एक ये करें कि अगर गीला है खेत तो ज़्यादा जुताई ना करें, अन्यथा खेत में जो है एक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, जमीन कड़ी हो जाएगी। तो खेत को अच्छा सा सूखने दें, होल में आने दें, उसके बाद जो है जुताई करें। माटी जरूरत तो नहीं पड़ेगी शुरू में? अभी नहीं पड़ेगी, परंतु जिस समय बोनी करेंगे उस समय खाद की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, बोनी के समय में खाद डाले। जी जी सर, ये मिंजाई में जिसे आप बताया कि जिन दोनों मल्टीपर्पज वाले मिंजाई के समय है, तो कैसे ढंग से पता लगी कि अनाज मिंजाई के लिए होए है कि नहीं होए है, और एक पूरा प्रक्रिया मिंजाई कैसे होते हैं, और जो छोटे किसान ट्रैक्टर रखे हुए हैं वो मन अगर कहीं ये मिट्टी उपयोग करना चाहें तो मतलब आपके क्या सुझाव? जहाँ तक छोटे किसानों की बात है तो बहुत सारे कृषि यंत्र उपलब्ध हैं जिससे मिंजाई का काम कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसा जैसे कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे मानो ट्रैक्टर है जो कि 50 हॉर्स पावर का है तो उसकी कैपेसिटी अलग होगी, मतलब वो करीब करीब आप 15 से 18 किलो क्विंटल प्रति घंटा थ्रेसिंग का काम कर सकेगा। यदि छोटे यंत्र हैं तो उसमें कम थ्रेसिंग का काम हो सकता है, तो उसको देखते हुए थ्रेसर्स का चुनाव करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मान लो एक किसान ने धान का थ्रेसर खरीदा है या मल्टी क्रॉप थ्रेसर खरीदा है तो उसका उपयोग किस तरीके से करें? हाँ। तो आप ये देखो कि मतलब जैसे मान लो आपने देखा होगा कि यदि पुराने थ्रेसर से यदि आपने देखा होगा तो कहीं लिखा रहता था 750 आरपीएम ट्रैक्टर में लिखा रहता था, मतलब थ्रेसर में लिखा रहता था 750 आरपीएम, कहीं लिखा रहता था 650 आरपीएम। इसका मतलब ये है कि यदि मान लो हम 650 आरपीएम में चला रहे हैं तो गेहूं के लिए वो फिट है। अच्छा। मतलब गेहूं का थ्रेसर है, परंतु अब क्या है कि अब ये हो गया कि किसान यदि मान लो हर अलग अलग फसल के लिए अलग अलग थ्रेसर खरीदेगा तो बहुत सारे फसल वो ले रहा है, तो उसके लिए मुसीबत की स्थिति बन जाती है। तो अब क्या है कि ये जो आरपीएम को चेंज करने के लिए उसमें पुली का सिस्टम है। अच्छा। तो जो थ्रेसर कंपनी जो बनाती है, मैन्युफैक्चरर्स जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं उस पर वो लिख करके देते हैं कि ये फलाना पुली अपन लगा रहे हैं तो वो धान के लिए थ्रेसिंग का काम करेगा या गेहूं के लिए करेगा या चना के लिए करेगा। इसके साथ साथ उसमें एक कॉन्केव क्लीयरेंस होता है कि वो कितने क्लीयरेंस पर रखना है, वो भी उसमें लिखा रहता है कि कितने क्लीयरेंस पर उसको रखना है। इसके अलावा उसमें जो छलनी होती है, आप जैसे मान लो धान का की थ्रेसिंग कर रहे हो तो धान के लिए धान के हिसाब से थ्रेसिंग करने के लिए जाली का उपयोग करें, चना का थ्रेसिंग कर रहे हैं तो चने का की जाली का उपयोग करें, और इसके अलावा जो ब्लोअर की स्पीड है वो भी अपन उसको इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि वो उसमें जो सफाई का काम है वो प्रॉपर हो जाए, यानी धान का उपयोग कर रहे हैं तो ये क्या है कि एक तरीके से एक अनुशंसा के साथ वो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो ये बताता है कि इसमें ये इस तरीके से करना चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, मतलब बहुत आसानी से किसान भाई इसको उपयोग कर रहे हैं, हाँ आराम से इसका उपयोग भी कर रहे हैं, और एक दो बार यूज़ करने के बाद उनको आइडिया हो जाता है कि मतलब मुझे यदि सोयाबीन के लिए उसको एडजस्ट करना है तो सोयाबीन का उपयोग कर सकते हैं, धान के लिए यदि थ्रेसिंग का काम करना चाहते हैं तो धान के लिए उसका उपयोग। बात बताया हुआ मतलब मशीन खरीदे लिखे लिखित मिलत हुई, हाँ वो उनको मैनुअल एक मिलता है और कुछ बात जानकारी कुरो दे हुई है, हाँ मैनुअल उनको मिलता है। इसके अलावा इस पर हम लोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। राज्य में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहाँ की SMS अवेलेबल हैं। इसके अलावा काफ़ी बड़ा अमला है जो कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का भी राज्य शासन के अंतर्गत गाँव में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं जिनके माध्यम से इस पर जो तकनीकी जानकारी है यदि मान लो उनको कोई दिक्कत है तो वो उनसे पूछ सकते हैं, और यदि मान लो उनको कहीं से भी जानकारी नहीं मिल सकती है तो वो कृषि अभियांत्रिकी संकाय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं। का जो उपयोग है जो भी मतलब मैन्युफैक्चरर्स या जो भी डीलर उसको आपको बेच रहा है तो वो उसको मालूम है, उसके जो ऑपरेटर्स अच्छा, हैं उनको वो ट्रेंड करके जाएं, मतलब जब आप खरीद रहे हैं तो उनको जरूर ये मान के चलें कि उसको ये पता चलना चाहिए कि PTO से कैसे लगाना है, कैसे उसके RPM को, कैसे पुली को चेंज करना है, कैसे उसके कॉन्केव क्लीयरेंस को एडजस्ट करना है, जो कि मुश्किल से आधा पौन घंटे एक घंटे के आराम से वो एडजस्टमेंट को समझ सकते हैं। और एक बार एक आध क्विंटल जब चला रहे हैं उस समय आप देख लीजिए कि आप जैसा चाहते हैं वैसा उसकी थ्रेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वैसे उसकी सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब देखते हुए फिर आप उसको मतलब अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं। जी मतलब तो जी, जी।
मतलब ट्रैक्टर के जो पीटी उसके एक्सेलरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं उसमें सर। लखपाले सर अब पूरा तो तैयारी काट कर कहूँ भंडारण बने ढंग से कहूँ नहीं हुई बीजा के, तो मान के चलो कबू कबू सबों फसल बर्बाद होते हैं, कबू आधा बर्बाद हो जाते, तो भंडारण करें पहले दोनों रबी फसल और इधर धान की खरीफ फसल के, कैसे भंडारण करें, कैसे का तैयारी करें और कैसे बनावें उधर जगह? ये भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपने इतनी मेहनत से फसल लगाई जी जी। और अगर ठीक से भंडारण नहीं किया तो आपका दाना पूरा खराब होने की संभावना रहती है जी जी। तो जैसा मैंने पहले बताया कि गहाई के समय, गहाई करने के बाद में बीजों को अच्छी तरह सुखा लें, अच्छा धूप में अच्छी तरह सुखा लें, अल्टी पल्टी कर लें, सुखाने लगी कितने दिन रखने लगी अभी जाने की सुखा गई इसी की अभी की स्थिति में 3-4 दिन लगेगा उसको अल्टी पल्टी करके आप लोग सुखा लें धान लगी से धान को जी। धान हो या कोई भी फसल हो उसको उसमें नमी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, 12-14% तक नमी रहना चाहिए, 14% से ज्यादा अगर नमी होती है तो उसमें फंगस लगने की संभावना रहती है। अच्छा तो 12-14% तक नमी उसमें रखे, इतना सुखाए उसको कि 14% से कम नमी रहे। पहचान के लिए ऐसा है कि दांत, जब आप एक दाने को लेके दांत से दबाएंगे तो उसमें कट की आवाज़ आती है, अच्छा, जब आवाज आना चाहिए तो वो एक निशानी है उसकी कि बीज आपका अच्छी तरह के सूख गया है और अब भंडारण के लायक है जी जी। वो भंडारण की जगह के बारे में थोड़ा बताओ, कैसी जगह रखे, कैसे बोरी बोरी का दवाई वही कुछ लगेगी इसी कुछ? भंडारण में कई बार क्या होता है कि बीजों में कीड़े लग जाते हैं, सुरही लगते धान में, सुरही लग जाती है, बीटल लग बीवल लग जाता है जी जी। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी नुकसान होता है किसान भाइयों को, तो दो सावधानी रखना चाहिए। एक तो जिन बोरे में भर के रख रहे हैं उसको कीटनाशक दवा से उपचारित करके कीटनाशक दवा के घोल में उसको डुबा दें, उसको सुखा दें, उसके बाद उसमें बीज भरें। अच्छा इसके अलावा खलिया गोदाम के अंदर जो नाम है कीटनाशक ये क्लोरोपाइरीफास है, मेटासिस्टाक है, अच्छा, इनका स्प्रे जो है किया जा सकता है, पानी में घोर दें, विम बोर दें बोरा ला जी, और उसको सुखा लें और उस पर फिर जो है दानों का भंडारण करें। इसी प्रकार से गोदाम के अंदर इसका एक स्प्रे कर दें। अच्छा और गोदाम के अंदर भी एक सावधानी रखें कि नमी ना हो, गोदाम अच्छी तरीके से सूखा हुआ हो, नमी की अवस्था में कीड़े ज़्यादा लगते हैं और वायु के आने जाने का उसमें पर्याप्त अच्छा, जगह हो जी जी। पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। बिछाना या पाटा रखना जरूरी कि सीधे फर्श में रख? नहीं, सीधे फर्श में नहीं रखना चाहिए जी। लकड़ी के पाटे के ऊपर रखना चाहिए इसको जी जी। ताकि जो है जमीन से जो नमी आती है वो बोरों में ना आने पाए जी जी। तो पट्टे होते हैं लकड़ी के पट्टे, उसके ऊपर में ये बोरों को रखना। अच्छा मान लो कबू हम रखे थोड़ा बहुत एक आठ बोरा कच्चा वाला रही गया, कुछ कीड़ा उड़ने लग गए तो घर का उपाय है, बाहर कर दें उसको, उसको उसको सीधा बाहर करके अच्छा फिर से साफ सफाई करके उसकी खराब बीज निकाल के पुनः उसको अंदर हो जाता है जी जी। तो उसको तुरंत बाहर निकाल के उसको छांट लें उसके बीज, अच्छे बीज को। बढ़िया बढ़िया लाख वाले सर। वर्मा सर अब टाइम आने वाला है मशीन के कटाई मशीन के, तो दो तीन ठंड नाम जल्दी से बता देंगे। कटाई की जो मशीन है खरीफ के लिए चना गेहूं की कटाई करना है तो उसके लिए एक तो रीपर है जो कि स्वचालित रीपर कहलाते हैं जी जी। इसके अलावा ट्रैक्टर के फ्रंट माउंटेड रीपर आते हैं, बैक माउंटेड रीपर आता है, इसके अलावा कुछ मतलब रीपर के नाम से आते हैं जो स्वचालित रीपर हैं जी जी। तो किसान भाई सर वर्मा सर और लाखपाल सर बहुत बढ़िया जानकारी आप मन दे, आप बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार। तो संगी हो यंत्र के उपयोग करबो हमन हाँ तो ये पक्का है कि हमारे कम समय में और कम खर्चा में और बहुत सुंदर काम हो सकत है, और कौन कौन यंत्र कैसी है लास्ट तुम जाने हवा, एक उपयोग कराओ खूब कमाओ संगी हो। अवैया दरी बार एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।